अभी के अभी जा और जाके बिट्टो को तलाक दे। चल शाबाश। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन का घर नहीं ना बसेगा तो बचेगा तुम्हारी बहन का भी नहीं। मेरी जिंदगी के इतने साल पर बात करने के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो अपने भाई से कह के जाइएगा कि अपने नाम का तौक मेरे गले से उतार के जाए। कल जाऊंगी तेरी शादी की तारीख लेने के लिए। क्या मान गए हो तुसी? खाए ना, आपके अंडे ठंडे हो रहे हैं। मुन्ने को मुन्ना समझ लिया, सारी जिंदगी बातें छुपाते रहे मुझसे। एक तो मुनीर जी आप गुड़ वाली गजक वाली बूथी बना के बैठ जाते हैं, अब क्या बताते हैं आपको, नई फटीक हो गई है। फटीक तो होगी ना जब तन्नो भाभी एक बार फिर तमाशा बनाएंगी पूरे खानदान में मेरी बहन का। अल्लाह हिदायत दे सबको। ये सब किया धरा अब्बा और इनके चहितों का है। मुझे तो ऐन वक्त पे गवाह बना दिया था। तू तो चुप कर, खा जाता गवाह टट्टू। असली जरा उबला अंडा देना। हाँ दे दो इसे उबला अंडा, पूरे खानदान का दिमाग तो उबाल रखा है वैसे तुम्हारे निका ने। अब्बा प्लीज, हमें पता थोड़ी था। हाँ लेकिन मुझे पता था कि शर्जी भाई और तन्नो भाभी ऐसे ही कोई पानी जरूर मारेंगे। हाय मुनीर जी, वैसे गुस्सा एक तरफ, जिस तरह आपने पानी का है ना, आहा स्वाद आ गया सुन के। मेरे साथ रह रहे के ना आपकी पंजाबी बड़ी इम्प्रूव हो गई है। बेटो तुम साफ साफ बात करो कुकू से खुद। मैं तो निका तुम्हारा हुआ है ना, और कौन बात करेगा? वो तो फरार होने के चक्करों में। पाताल से भी निकाल लाऊंगा उसे, मुन्ना मत समझना मुझे। हाँ मैं आज बात करूंगा पापा। भाभी गरम चाय मिलेगी? नानू और मानू खाला आई हैं। फिर कोई नया तमाशा होने वाला है। अम्मी पीछे हट, मैं यहाँ पे पुराने रिश्तों को ना रिवर्स गियर लगाने नहीं आई हूँ। तेरी माँ नहीं बन के आई हूँ, अपने भाई की बड़ी बहन बन के आई हूँ रिश्ता लेने के लिए। हाँ, आई बड़ी। अरे सलामकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहो बेटा। ओ हाँ बेटो का रिश्ते की तारीख लेने आया हूँ यहाँ। हाँ अरे जहन नसीब अब्बा मियाँ। हाँ हाँ सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। कैसे है मामू? बाद में बताऊंगा भांजी, अश्वीज कहो की मिठाई के टोकरे अंदर रख दे। ठीक हो तो मानो, बाबा नहीं आए। मामू वो जल्दी अंदर चलिए ना, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। सलाम अलैकुम कुकू मामू, सुना है आप तो फरार होने के चक्करों में थे। हम हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छा ही हुआ नहीं गए, हमने भी आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाया हुआ था। एक लड़की का हाथ पकड़ने का मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि मेरा दिमागी तवाजन दुरुस्त नहीं है। अब यार गलती से पकड़ लिया था। अच्छा रात में कौन सा सस्ता नशा करके सोए थे? मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी ख्वाब की कैफियत में हूँ। ये सचमुच ताई अम्मी आई हैं या मैं अभी भी आलम मदहोशी में हूँ? ये 5-5 किलो के टोकरे उठाओ, सारी मदहोशी खत्म हो जाएगी। अब वैसे थैंक यू, पिट्टू पापा के लिए स्टैंड लिया ना तुमने। ऐसा करें 3 दर्जन पैटियां भेज दें, 3 पैकेट निमको और 3 पैकेट चिप्स और जरा छेती। थैंक यू। क्या जरूरत थी चच्ची, मैं बना तो रही थी सब कुछ। ना नेता पुत्र, बेकरी वालों की रोजी पे क्यों लात मारे हम हैं? भाभी वो भाभी के पुत्र रैप्टे मार मार के तेरा सर पोला कर देना, मैंने शुक्र कर बच गया तू। आप सेंटी ना हुआ करें प्लीज। फेंटी लगेगी तुझे। क्या हो गया चच्ची? पूछ से कौन सी लो बजट फिल्म चल रही थी लॉन में। अम्मी ऐसे इल्जाम ना लगाया कर। मैं इल्जाम ना लगाऊं? तू शरीकत दी कुड़ी नाल हैंडशेक कर रहा है, तालियां बजा रहा है, तेरी पुप्पी का ब्याह है। पुप्पी का ही ब्याह है बताया इन्हें। ओए एक्सक्यूज मी, बुत्थी इत्थे करके मेरे नाल गल कर आई टू आई। हां क्यों कर रहा था शरीके की औलाद नाल मस्तियां? ये जो शरीकों की औलाद है ना, सगी बहन है इनकी। तो ये बहन चाह रहा है इन तक रहने देना, तू क्यों सियाना कहां बन के बीच में टपकता है? असली अक्ल से काम लिया करो, बच्चे नहीं हो आप तुम। 1000 बार समझाया दूर रहो उससे। भाभी क्लास फेलो भी तो है मेरी वो। तो ये फेलोशिप तू यूनिवर्सिटी तक महदूद रखना, आइंदा आसे पासे अगर लंगा भी तो तेरा पासा ही पन देना है मैंने। इजी मत ले सलीका नू। शर्मा
sharam.com चलती पई है। खैर तो है बट्टो? वो मुन्ने भाई आपको बुला रहे थे। तो शर्मा तो ऐसे रही जैसे कुकू भैया बुला रहे हैं। भाभी समझाएं अपनी सास को, 5 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं, जब देखो हाथ चलाकी करती रहती हैं। एक हाथ तो ना मैं भी घुमा के दूंगी तुम्हें। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि इतनी बेतकल्लुफी करने की जरूरत नहीं है उस बदतमीज लड़की के साथ। किस बात का डर है आपको? मोहब्बत हो जाएगी मुझे उससे, टेंशन ना लें, इतना बुरा लेवल नहीं है मेरा। तुम्हारा टेस्ट अच्छा हो या बुरा उसको मैं यहाँ नहीं आने दूंगी जिसकी वजह से इतने मसले हो रहे। आप उसे छोड़ें, उन्हें देखें, अल्लाह की शान भाई। सच पूछो तो आज तुमने सबूत दिया है बड़ी बहू होने का। शुक्रिया भी अम्मा, लेकिन ये पुराने रिश्तेदारियों का अगर आप तड़का ना ही लगाएं इस वेले तो अच्छा होगा। हम तो बगैर तड़के भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हांडी चढ़ा लेते हैं। आप हुक्म तो कीजिए मिसेस शुजा। अरे भाई हम बिट्टो की शादी की तारीख लेने आए हैं। अब्बा मियां लेने नहीं आए हैं, डेट देने के लिए आए हैं। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है अम्मा, लड़की का निकाह कोई बेच नहीं रहे हैं उसे, तो बराबरी की बुनियाद पे ही मामला चलेंगे। तो फिर चला लें। तनुआपी इनका मतलब ये है कि हर चीज मिलजुल कर चलानी चाहिए। कुकु चुप कर तू, ये जो तेरा सबक का सबक और तशरीह और तशरीफ का सबक है ना, ये अपने पास रख, तेरे बाद में काम आएगा। मुझे ज्यादा टोका टाकी करने की कोई लोड़ नहीं है। अपनी वालदा से कहो थोड़ा ब्रेक पर पांव रखें, वरना पानीपत का मैदान सज जाएगा। यहाँ तुम्हारे अब्बा की भी लगता है पैदाइशी ब्रेक फेल है, थोड़ा उनको भी कंट्रोल सिखाओ। भाई मेरे ख्याल है कि मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग, हैं? सौ बिस्मिल्लाह अब्बा जी, अगर किसी का मूड हो तो। मेरा ख्याल है कि रुखसती की तारीख के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बी अम्मा रुखसती तो इसी जुम्मे को होगी, 2 दिन के बाद उपटन होगा, फिर मेहंदी होगी और फिर रुखसती हो जाएगी। रुखसती करनी है, कोई चिड़ी उड़ी कां उड़ानी खेल रहे। सलीका ठीक कह रही है बेटा, इतनी जल्दी तीनों फंक्शन की तैयारी कैसे होगी? हमें कौन सा जेस चाहिए, बस 3 कपड़ों में रुखसती कर दे। कुकु तू चुप कर, है तू ना मन ज्यादा। हमें चाहिए जेस, मैं तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। माँ नहीं है तेरी, लेकिन माँ जैसी बड़ी बहन तो जिंदा है, मुझे तो सोने के झुमके भी चाहिए। अरे इतनी जल्दी तो शादी हॉल की बुकिंग भी नहीं मिलेगी। हाँ तो भाई ये लड़के वालों का मसला तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों का मसला है। अम्मी हाँ तो फिर ठीक है, छत पे करवा लेते हैं कैटरिंग। अरे नहीं नहीं मैं बात करता हूँ अपने दोस्त से, उसका शादी हॉल है, कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा वो। अब्बा इतनी जल्दी रुखसती नहीं हो सकती। अच्छा चले ठीक है, फिर नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा भरा तो अब 2 साल के बाद आएगा दुबई से वापस, तो फिर तब कर लेंगे। बेशक 4 साल ना करे रुखसती, 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है मुझ में मेरी बहन की। लो जी कहाँ ले गया जलेबी चुके। अम्मी थोड़ा तहम्मुल से सोचे कि तूने लिया था तहम्मुल से काम, जब इस लड़के के साथ जाके विवाह कर लिया था, माँ पियो के सर के अंदर खेर डाल दी थी, अब आ गई बीच में टेडी बकरी बन के छलांग मार के। तू क्या मुझे चूड़ियां काट रही, मेरे बाजू में सुराख कर दिया है। निदा तुम अंदर जाओ, ताई अम्मी ठीक कह रही हैं, बड़ों का मामला है। ओहो ताई अम्मी ठीक कह रही हैं, बड़ों का मामला है। उस वक्त नहीं ख्याल आया था बड़ों का, जब निकाह के ऊपर कुगियां चला रहा था तू आया वड्डा। अभी क्या अभी, तू भी आप ही जाके ब्याह कर ले फिर, हैं? अब तेरी आप ही है ना असली वाली, मुझे बात करने दे। लो जी अन्ने हाथ आ गया डांग, हाथ च रुमाल तो रुमाल च मसरां दी दाल। अब्बा जी मैं बता देती हूँ इन लोगों का मसला क्या है। मसला ये है कि 4 लोगों को रोटी खिलाते हुए इनके ना टिड में मड़ोड़ उठ रहे हैं, कड़ाके निकल गए इनके। तन्नो एक लफ्ज भी अब मुंह से मत निकालना, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी। ठीक है ले आना बारात जुम्मे को, और ये रोटियों के ताने कमी कमीन देते हैं खानदानी लोग नहीं। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब, बिट्टो मेरी अकलौती बेटी है, उसकी खुशियां बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा मैं। अरे तुम लोगों में से किसी को मसला है ना तो अभी बात करो अभी। अल्लाह का शुक्र है अब्बा कोई मसला नहीं है, सारे शहर को खिला सकता हूँ, सारी जिंदगी मेहनतें की हैं, खानदानी जायदादें नहीं उजाड़ी और लोगों की तरह। अरे छोड़ो भाई जड़ से उखाड़ोगे हाथ क्या है मेरा। मुन्ने मियां तुम भी अपने तानों की पोटली को गिरा लगा के रखो, तुम लोगों के हाथों में पहले ही अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा हो चुका हूँ, अकलौती बेटी है मेरी। अरे पहले मैं सुकून से उसकी रुखसती कर दूं, फिर तुम लोग चाहे दूसरे का सर फाड़ लेना। सारी जिंदगी अब्बा आशियाना नूर की बत्तियों को तेल दिया आपने मेरे जज्बात का खून करके, मगर मुन्ने का जर्फ इतना छोटा नहीं है, 4 बंदों की जगह 400 लोग ले आइएगा बारात पे।
चलो जी मुकदी गल मुकाओ, परसों तेल मेहंदी ते जुमे नू बरात। जी नहीं, परसों माइयो, फिर उसके बाद मेहंदी, फिर उसके बाद होगी बरात। अरे भाई इतने सारे फंक्शन करने की जरूरत क्या है? अब्बा जी क्यों नहीं है, मेरा कलम कला प्रा है, एक ही मैंने तो अपने सारे चाह पूरे करने हैं ना, तो करने दे सारे फंक्शन। ठीक है भाई, जो चाहे करो। अच्छा चलो ये खाओ ना। बाराव बात करनी है। बेफिक्र रहे भी अम्मा, मैं भी दो दो लड़कियों की माँ हूँ, आपकी बच्ची का बहुत ख्याल रखूंगी इंशाल्लाह। जानती हूँ मैं, सिर्फ जुबान की तेज हो तुम, दिल की बुरी नहीं हो। तू किधर जा रहा है? बिट्टू से मिलने जा रहा है। जो बिट्टू शिटो का होगा ना वो चार दिन के बाद ही होगा, आराम से बैठ जा। ठीक कह रही है ये, अब बिट्टू नहीं आएगी तुम्हारे सामने। छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे छुरी पर, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। कर लो सारे मिलकर मेरा कबाड़ा। भाई मानो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे अब्बा तो बख्शे गए। क्यों, तुम जन्नत के दरोगा हो? नहीं, लेकिन अंदर जो एक अजाब बैठा हुआ है ना ताई अम्मी की सूरत में, उसको जो भी बर्दाश्त कर ले वो कन्फर्म जन्नती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी मनहूस शक्ल जैसी बातें मत किया करो मेरी माँ के लिए। अच्छा, और वो जो इंसल्ट करती रहती है निदा भाभी की, हाँ उनको तो पैदाइशी परमिट मिला हुआ है ना? बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी की पैदाइश के साथ ही उनको परमिट मिल गया था। चलो किसी बहाने तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि तुम्हारा भी निदा भाभी के साथ कोई ताल्लुक है। है नहीं, था। ड्रामों में ही देखा था कि बहनें कभी कभी डायन बन जाती हैं, आज हकीकत में भी देख लिया। देख लिया ना, अब चलो अपना मुंह लेकर अंदर जाओ वरना चची आ जाएंगी अपनी जलेबियों और कबड़ उड़ाने। हाँ ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन तुम भी ताई अम्मी को समझाओ कि बकरी की तरह दूध में मेंगनियां ना डालें। हाँ दिल बड़ा कर लिया तो जर्फ भी बड़ा करें। जर्फ की ही बात कर रहे ना, तो जाके जरा अपने अब्बा को बताओ, उनके लहजे से लगता है कि नई नई दौलत का खुमार है। उनकी खुमारी से तुम्हें क्या तकलीफ है? पूरे शहर को खाना खिला सकता हूँ मैं, और हमें क्या खिला रहे थे, चिप्स। ये मुल्क के माशी अमूर पे कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पज़ीर हो गई है, तो घर चले मानो। जी अम्मी चले। चल भाई मानो, अब घर जाके भुगतो अपनी अम्मी की पोली पोली टोलकी। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो पोली पोली कंधे ला रहा हूँ। सहर तक बोला, चल आ रही अम्मी। अम्मी आपके सर की कसम, मैं इंसल्ट कर रही थी उसकी। हाँ जी मैं देख रही थी तुझे अच्छी तरह। अम्मी वो तो आप आ गई, वरना मैं तो उसका वो हाल करती कि वो याद रखता। हाँ ऐसी तू टार्जन की बेटी, मैं तुझे बता रही हूँ मानो, आइंदा मुझे तू उसके आसे पासे नजर आई ना, मैंने तेरे गोडे किट्टे सेक के ना तुझे घर में बैठा देना। इजी नहीं लेना तूने मुझे। बाबा देखे ना अम्मी को। तन्नो बस कर दो, एतवार नहीं अपनी बेटी पर। रहने दे शुजा साहब, आपको भी फिर लच्छन नहीं पता ना मुन्ने की औलाद के, वो बड़ा वाला फराज कैसे उसने अन्ना कर दिया था हमारी निदा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के, और ये बटेरा हमारी चिड़ी के सर पर ठूंगे मार रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आप सोचती रहे सारी बातें, मैं तो जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। मानो बेटा वो गाड़ी चाहिए थी, चाबी मिल जाएगी ना? ठीक है कोई बात नहीं, मैं गौहर और बबली को बोलूंगी मुझे पिक करने। बबली और गौहर पिकअप कर लेंगे मुझे। तुम कुछ शर्म करो, ये चिड़िया बटेर की मसाले क्या दे रही थी जवान बेटी के सामने। ना आप जानते नहीं है उस असवी को, हैं वहीद मुराद की तरह पफ बना के हमारे मानो के पास खड़ा हुआ था। तो जितना मर्जी वहीद मुराद बन जाए, मेरी बेटी शबनम नहीं है। अच्छा जी, मेरी तो ना आपने कभी बात मानी है ना मानेंगे, जब अपनी आंखों से देखेंगे ना तब आपकी बेलने में बाँ आएगी। अच्छा बस कर, ये 5 लाख का चेक है शॉपिंग के लिए। भाई चोरियां करनी शुरू कर दी है, बैंक में डाका डाला है। अस्तगफिरुल्लाह, वो बीजा ने जो चेक दिया था वो डिपॉजिट करवाया था भाई। देखा बैठे बैठाए काड़ा कर दिया मुझे उनका, मैं मुंह फाड़ फाड़ के रोटियों के ताने देके आई हूँ उनको। अल्लाह का वास्ता है, शादी तक अपना मुंह बंद रखना, मेरी सगी बहन है वो। मैं जरा अब्बा जी के साथ जरा जा रहा हूँ, वो बैंक्वेट हॉल फारूक से बात हो गई थी। गाड़ी की चाबी क्या है? जेब में देखी। जेब में तो नहीं है। तो मुझे क्या पता होगा, मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ, खुद ही जाके ढूंढ ले। क्यों टाइम वेस्ट कर रही, फजूल, मैं खुद ही देख।
बेटा जी चुप कर जाना मेरी जान, तुझे पता है आंखों पे बहुत बुरा सैड इफेक्ट होता है। यही बात तो एक घंटे से मैं समझा रहा हूँ उसको। और तू अपनी माँ को नहीं समझती है, वो तो बस का भौंपू, इग्नोर कर। अम्मी ने तो सच में मुझे दिल से निकाल दिया। कोई अपनी औलाद को दिल से नहीं निकालता, इतने सालों का गुस्सा है उनका, भाड़ में जाए सारा गुस्सा है। मेरे साथ चार चार रिलेशनशिप है, एक का भी लिहाज नहीं किया उसने। अम्मी आप भी तो कुछ कम नहीं है ना, बड़ी है वो आपसे, आप भी कुछ लिहाज कर लिया करें। शर्म कर है, जब भिगो भिगो के बिस्त कर रही थी तब तो चूहे वाकड़ा मुंह बन गया था है, अब महान हो गया तू। बड़ी है उनसे, हक बनता है उनका। वाह आ गया तेरा चमचा। सियाने कहाँ ऐसे समझा ना कि ये रोना बंद करे, मैंने तो भी इतने काम करने हैं, स्टोर से पेटियां निकालनी है, देने दिलाने के जोड़े निकालने। हाँ मैंने भी टिका के बेचती की है मानो की। असफुत तुझे मैंने मना किया था, ये चूहे बिल्ली वाला गेम फिर से शुरू कर दिया तूने, तू उस गुन्नी मीसी से दूर क्यों नहीं रह सकता। हाँ तो ताई अम्मी को क्या हक पहुँचता है ऐसे झाड़ने का, इसकी सगी माँ है वो, तू ज्यादा प्योर ना बन। अब जल्दी से जा तू यूनिवर्सिटी, मास्टरों से छुट्टी लेकर आ, बड़े बिजी हैं, बहुत काम करना है, शॉपिंग वॉपिंग। अम्मी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, मास्टर नहीं। यार वैसे आज छुट्टी कर लेते, घर में इतना काम था। भाई आज जाने दे, हाँ वो HOD से ना लीव फॉर्म साइन करवा दूंगा, वरना मेरी प्रेजेंटेशन ही ना रख दे इन दिनों। और भाभी आप तो रिलैक्स करें यार। तुम जाओ उसकी, मैं ठीक हूँ। निदा मैं सोच रही हूँ शाम को ना शॉपिंग पे चलेंगे हैं, बुटीक से रेडीमेड जोड़े पकड़ लेंगे हैं। भाई और भाभी की शॉपिंग मैं करूंगा, आप टेंशन ना लें। हाय असफू तूने तो मुझे हर्ट ही कर दिया है, कसम से मैं तेरी सगी माँ हूँ, तेरे प्यो ने कहीं से भगा के नहीं लेकर आया मुझे, मेरा भी कभी सोच लिया कर तू। तुम जाओ असफू, तुम्हें देर हो रही होगी। ये करेगा मेरी शॉपिंग, उसका खुद का फैशन सेंस नहीं। ओए मैं शत के पानी पी लूं, ये ले। कुकु चल छेती कर मेरा प्राण निकल। खुदा ना ख्वास्ता मैंने क्या कर दिया है? ना किया कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ ना जरा जल्दी से जाके शॉपिंग मॉल से ना कपड़े उठा ले, अपने लिए भी, अपने बनोई के लिए भी और अब्बा मियाँ के लिए भी। बैग है ना इमरजेंसी, कम से कम एक हफ्ता गैप तो डाल दी ना। क्यों डाल देती है, दो मिनट के लिए तो ऐसी थरतली डाली है ना, शरीकों को हिला के रख दिया, मजा ही आ गया। अच्छा है ना वो बंसली का गुलहरी जो है टापे मारती फिरेगी चार चफेरे शॉपिंग करने के लिए। चल तू निकल, तू ना देर कर। अल्लाह पूछे इस तन्नो को, पमीरी की तरह घुमा ही दिया है। भाभी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी में जो कुछ होता है करें। मैंने कौन सा यहाँ रहना है? वाह पिट्टो शहजादी, बड़ा उपटन शुपटन। वो तो ब्यूटिशियन ने कहा था, मैं कहा तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तेरे सैया ने कहा था। अच्छी तरह से डीप क्लेंस कर, हम है ना तेरी नंद की खजल खुआरी काटने। तो नंद कौन सा सुकून में होगी, पैरों में पहिए तो उन्हें भी बांधने पड़ेंगे। वैसे उस बेचारी का तो वही हाल है, दुश्मन की दीवार गिरा दो चाहे अपनी मज थल्ले आ जाए। अच्छा सुन बिट्टो, आज निदा के साथ हर हाल में जाकर ना शादी का जोड़ा उठा ले, अब टाइम नहीं है, नखरे नहीं करने और प्राइस की फिक्र मत करना। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया से लड़ गया। तन्नू आप ही के सामने वापस जाने का ड्रामा तक कर लिया और तुम्हारे पास मेरे लिए दो मिनट भी नहीं। ब्राइडल ड्रेस तुम मेरी पसंद की लोगी। वीर जी आपको इतनी प्यारी सी ब्राइड मिल रही है, उसी के शुक्राने के नफल पड़े। शादी का जोड़ा हम खुद बंदोबस्त कर लेंगे और ये नंबर अब रात तक आपकी बतूल के पास नहीं है। सॉरी रॉन्ग नंबर। भाई इसका रॉन्ग और राइट तो तू ही जाके सही कराए। अच्छा मुझे बता कि कौन सा जोड़ा किसको लगाना है। चच्ची मैं आपकी हेल्प कर। हाय प्लीज। अब्बा क्यों टेंशन ले रहे हैं, फारूक साहब ने बोला तो है कि वो सारा बंदोबस्त कर लेंगे। अरे बेटा तुम्हें क्या पता क्या हालत होती है बेटे की बाप की। एक बेटी मैंने भी आई है, वो अलग बात है कि उसने मान नहीं रखा। एक बात बताओ, अगर मैं मना कर दूं बिट्टू को कि रुखसती ना करवाए वो कभी मियां के साथ, तो मेरी बात मानेगी वो? असल में माननी तो नहीं चाहिए। हाँ तो फिर निदा क्यों अपना घर खराब करती यार, कभी किसी और की जगह पे खड़े होकर ना उसकी पोजीशन समझने की कोशिश करो। हेलो हाँ हाँ बेटा हो गई बात। अरे भाई मेन्यू तो तुम और फराज डिसाइड करके उसको भिजवा दो ना।
पैसे की फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, मैं घर आके बात करता हूँ। बड़ा शौक ऐसे पेमेंट करने का। मेरी बात कान खोल के सुन लो सर, अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से एक थैला भी नहीं लूंगा मैं। हेलो शुजा अहमद साहब, मैं बोल रही हूँ, कर लिया है पिक मानो को यूनिवर्सिटी से। अरे भाई गाड़ी पर है, कोई जेट जहाज पर नहीं है, किस बात की जल्दी है? हाँ है, बताया तो था शॉपिंग करने के लिए जाना है, दिन ही कितने रह गए व्याह में। हाँ ये दिनों वाली कहानी भी तुम ही डाल कर आई हो, अब भुगतो। वैसे बड़ी बात है शुजा अहमद साहब है, इतने ताने तो कभी मेरी सासू माँ ने मुझे दिए जितने क्या आप दे देते। हर वेले जो है ना मेरा तरा जो है वो हलक में रहता है। अब कोई नया कट्टा खोल के नहीं बैठ जाना, आ रहे हैं हम लोग। हजार बार समझाया कि जब दूसरों को टेंशन देते हैं ना तो आपको खुद भी टेंशन लेनी पड़ती है। फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा सब। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। चार दिन की लीव पर ना 40 बातें सुना दी प्रोफेसर अलवी ने। शुक्र कर कि लीव पे साइन तो कर दिए, वरना भी मुंह लटका कर निकल रहा था अपना। चेक तो करो जरा उस मलका जहन्नुम को, कैसे मजे से खड़ी मुंह चला रही है। जलील करवा दिया उसने एक लीव के पीछे। यार खुदा का वास्ता यार, उसके सामने कुछ मत बोलिए अब, वरना कि नया महाज खुल जाएगा। महाज खोलने में तो खैर एक्सपर्ट है मैडम, वो भी कम नहीं है वैसे। शरारती कल मेरे साथ भी यही था, छह बजे मुझे बताया कि वो नॉट श्योर। भाई डिसाइड हो गया, कल सारा दिन मेरे घर होगी डांस प्रैक्टिस और डांडिया प्रैक्टिस। ओ खाला आफत की परकाला, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। मेरी कमिटमेंट हुई है गौहर के साथ कि हमारे घर होगी प्रैक्टिस। कौन सी कमिटमेंट, मैंने तो उसको रात को ही बता दिया था ये सब होगा। वो दुनिया जहाँ की झूठी औरत, डेट आज फाइनल हुई है तो कल रात क्या ख्वाब में की ऐसे कमिटमेंट। यार प्लीज यार, शादी का इवेंट ना एंजॉय करने के लिए होता है, ये तुम दोनों की चिक-चिक से बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक कह रहा है गौर, क्या मजा आएगा दो इधर दो उधर। जी बैन लग चुका है हम दोनों के बात करने पर, तो नहीं हो सकती हम दोनों के घर एक साथ प्रैक्टिस। कोई मसला नहीं है यार, मेरे घर कर लेंगे, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो बबली, अम्मी का फोन आ रहा है, उनको पिक करना है। चलो चलो, ओके बाय। क्या जरूरत थी उन दोनों को बैन का बताने की? जैसे उन लोगों को पता ही नहीं ना हमारी जंग के बारे में। देखो मानूर, ये सारी जंगें ना हमारे खानदान का इंतहाई जाती मामला है। अच्छा थोड़ी लगता है कि अपने पर्सनल इश्यूज अपने फ्रेंड्स के सामने डिस्कस करें हम, चाहे हम उनके जितना भी क्लोज क्यों ना हो। तुम भी तो करते ही रहे हो। मेरी माँ, भूल जाओ माजी की बातों को, अब हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हाथ तो हटा लो, बड़ी खानदान की इज्जत का ख्याल आ रहा है जनाब को। गायब आ गए। मुन्नेमी अपनी औलाद को ना अपनी जुबान में अच्छे से समझा दो कि मेरी औलाद से 36 फुट दूर है, वरना उनकी टांगें तोड़कर उनके हाथ में पकड़ा दूंगा। शुजा बस अब्बा, इस मामले में और कोई बात नहीं, चलो। मुनीर जी मैं कह रही हूं एट वंस जुत्ती लाओ ते धंधनादन कर दो इसकी। गुस्से से खून खोल रहा है मेरा, पूछो इससे क्या चल रहा है इसके और उसके बीच। खेद स्वा चल रहा है दोनों के बीच, तुझे वार्निंग दी थी ना, हुन प्यो दी बिस्ती करवा कर, तू ठंड पै गई तेरे सीने च। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बाबा। अरे अभी कुछ किया नहीं है तो उसका बाप क्यों टांगे तोड़ने की धमकियां दे रहा है? फटे मुंह ऐसी धमकियों दी,
असू सच सच बता दे, कोई नया चंद नहीं चढ़ा दिया तूने? मेरा दिमाग खराब है अम्मी जो मैं ऐसा करूंगा। तमीज से बात करो असवी, कोई ना कोई बात तो होगी ना जो ताया भाई इतने गुस्से में थे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी के बाहर पार्किंग लॉट में सिर्फ उससे बात कर रहा था, वहाँ सज्जी ताया टपक पड़े और पता नहीं क्या समझने लग गए वो तो। नहीं तो ऐसी कौन सी खास खास बातें हैं जो खत्म ही नहीं होती, कभी गली में तो कभी लॉन में तो कभी यूनिवर्सिटी में। इस लड़की नाल तूने क्या कमेटी डाल ली है? बस कर दे अम्मी। क्या बस कर दूं? मैं तो निदा पुत्र को भी बता दूंगी, तेरे बच्चूंगड़ों को भी। ये शादी के फंक्शन आ रहे हैं ना, जसूसी करेंगे मेरे लिए। एक फुट भी तू अगर मानो के पास गया ना, मुझे बताएंगे, फिर तू देख मैं क्या करूंगी तेरा। ये भी कोई बात है भला करने की? चुप ही हो जा, ये सारा किया कराया तेरा और निदा दा है। बच्चा बच्चा कहकर सर पे चढ़ा दिया ना उसे। अम्मी एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में तो पढ़ते हैं, कोई काम भी तो पड़ सकता है ना। आप लोग भी जो है ना जरूरत से ज्यादा रिजेक्ट होते जा रहे हैं। चलो तुम भी बिट्टू आपा को शॉपिंग के लिए जाना। सुन, रिजिट क्या होता है? सख्त, जालिम, जाबर, जिद्दी। मेरा दर्द है, एक ही वर्ड में इतनी बातें कर दिया। डोंट वरी मुनीर जी, अभी जाके जिम कर दियो। और चुप हो गन्ने हैं, आया स्वाद हो ना। अरे तुम चुप करो ना, हम बात कर रहे हैं ना। ना अब्बा जी, मैं क्यों चुप करूं? मैंने तो शुजा साहब को सुबह ही कह दिया था, थोड़ी शुजात का मुजाहरा करे और अपनी लाडो रानी के गले में ना लगाम डाले। तनु अभी लव्स तो ठीक चूज कर लेना। ना तुझे चूज कर लिया है ना विवाह के लिए, है हो रही है ना तेरी रुखसती, वरना यहाँ दीवारों से लिपट लिपट के कुके मार रहा था। चुप कर तू। मानो सच सच बताओ कि क्या चल रहा तुम्हारा उस लड़के के साथ? बाबा वो बात कर रहा था मुझसे। इतना फ्री होकर? स्टाइल है उसका, इतना मुन्ना स्टाइल। हाँ, डाल दे तू बांदर के गले में मोतिये का हार, चुल्ले में गया उसका स्टाइल है। फुप्पी लगती है तू उसकी। फुप्पी को क्यों घसीट दिया आप बीच में? लो जी, दुनिया में किसी भी फुप्पी का नाम लो ना, ये बिट्टो वाली पोली पोली टोलकी में जाना शुरू कर देता है। अब्बा मियां, आप समझाए ना इन सबको, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तेरे प्यो ने क्या समझाना है, वो तो खुद पुट्ठी मते देता फिरता अपनी औलाद को। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, तभी चुप कर जाओ। तुम चुप रहो, मुझे बात करना चाहिए। अच्छा जी, आप कर लें बात, फिर बाद में। आपने यही कहना है, गरीब मुल्ला की जान कोई नहीं सुनता। पूरे इवेंट में अगर वो लड़का तुम्हारे आसपास भी नजर आया, उससे बुरा कोई नहीं हुआ। अरे अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग, भाई घर का इवेंट है, बच्चे क्या छुपते फिरेंगे एक दूसरे से? अब्बा मैं ठीक है, बात करने से क्या होता है? वही हो जाएगा जो तेरे और बिट्टो के बीच में हुआ है। खुदा ना खास्ता। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मर के भी ना हो, मतलब आप लोग पता नहीं क्या ऊटपटांग बातें किए चले जा रहे हैं। ना तो फिर क्यों तेरे मुंह को आ रहा था वो लड़का? छोड़े ना अम्मी, मैं तो उससे बात भी नहीं करती हूँ, तो बिट्टू आपकी वजह से मैं उससे बात करी थी, पता नहीं आप लोगों क्या हो गया। अरे कुछ तो अकल से काम लो सज्जी, तुम्हारी खातिर दुनिया की जंग लड़ चुकी है वो घर जाके, भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी वो। अच्छा चले रहने दे, बहुत डांट लिया है, ऐसा चूजा सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का, मेरी तो शॉपिंग भी बीच में रह गई है। हाँ तो लेके जाओ ना मानो को, टाइम नहीं है बिल्कुल हमारे पास। जी अब्बा जी। कहा था ना फंसा देगी, दूर रहो उससे। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। इतना बड़ा तमाशा हो गया असफी, तुम अभी भी कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है भाभी। तमाशा लगाने में तो माशाल्लाह दोनों ही खानदान एक्सपर्ट हैं, कोई भी कम नहीं है एक दूसरे से। सच सच बताओ असफी, बाबा क्यों इतने खफा हुए? उनका पारा तो हमेशा ही आसमान पर होता है। कोई तो वजह हुई होगी ना? वजह सिर्फ ये है भाभी कि मैं और मानो बात कर रहे थे, वो वहां पहुंच गए, हमें इकट्ठा देकर मूड खराब हो गया जिले इलाही का, बस ये है सारा माजरा। मैं देख रही हूँ तुम्हारी और मानो की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। कौन सी बॉन्डिंग? वही बॉन्डिंग जिसकी वजह से मेरी और चच्ची की बातों का तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा। हजार बार समझा चुके हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो उससे, मगर आप शक कर रही हैं मुझ पे। शक करने की बात नहीं है असवी, तुम जान बूझ के मेरी और चच्ची की बातों को एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से उड़ा देते हो। बात कोई मानने वाली भी तो ना भाभी, एक जरा सा शादी का फंक्शन एंजॉय करना भी हराम कर दिया आप लोगों ने। कहाँ हो तुम? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। आप ऐसा किया करें, जहाँ चार लोग इकट्ठे हो ना वहाँ पहुँच जाया करें, क्योंकि इस घर में सिर्फ मैं हूँ जिसकी बाजमात इंसल्ट होती है। इसको क्या हुआ है? मुन्ने चचा से डांट पड़ी है। अब मुझे शॉपिंग पे कौन लेके जाएगा? चला जाएगा, एक आध घंटा रेस्ट करने दे। अच्छा कबीर का नंबर है तुम्हारे पास? खैरियत यार, सलीका भाभी ने मेरा फोन छुपा दिया है, कह रही है चार दिन पर्दा करो। भला आवाज का भी कोई पर्दा होता है? मेरे रूम में फोन है, वहीं जाके बात कर। पासवर्ड क्या है? 0000। Thank you.
कोई कसर बाकी रह गई है क्या? I'm so sorry. पता नहीं क्या हो गया था बाबा को. मैडम मैं तुम्हें घर से थोड़ी भगा के लेके जा रहा था जो शिकायत पहुंचा दी बाबा को. अरे वो तो रास्ते में मिल गए थे ना. हाँ और उन्होंने सोचा मेरा रास्ता खोटा कर दे. बता दो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम में. अच्छा ना सॉरी बोल तो रही हूँ. तुम्हें आइडिया भी है मैं सुबह शाम तुम्हारी वजह से कितना जलील हो रहा हूँ. हाँ तो यहाँ कौन से फूलों के हार पहना रही मुझे अम्मी. मुझे लगता है सबका दिमाग खराब हो गया. किसी और पे जोर नहीं चलता ना तो सोचते हैं हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं. अच्छा अब तुम टेंशन नहीं लो मुझे बताओ क्या करना है. क्या मतलब आगे क्या करना है? तुम अपने घर मैं अपने घर. हाँ कोई मुफ्त में अपनी इंसल्ट थोड़ी करवाता है. दफर मैं मेहंदी के फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ. इतने सालों बाद तो कोई फंक्शन हो रहा है इस फैमिली में. उस फंक्शन में ना बेटा जगह जगह चेक पोस्ट लगे हुए होंगे. पूरी फौज खड़ी की हुई है अम्मी ने. इसलिए एंजॉयमेंट क्या खाक होगी. छोड़ो तैयारी व्यारी जो करेंगे एन वक्त पे करेंगे. हाँ अच्छा चलो ठीक है. अभी तो मैं अम्मी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ. हाँ ठीक है जाओ. मुझे भी बेटो आप और अम्मी को लेके जाना है. कौन से मॉल में? टेक्स्ट कर दूंगा तुम्हें. ओके गौहर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. ओके बाय. बिट्टू आपा वेट कर रही हैं. उनसे कहें आ रहा हूं मैं. नाराज हो तुम मुझसे? बेअतबार नजरों से देखेंगी तो नाराज ही होंगे ना. पागल लड़के ऐसी कोई बात नहीं है. तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ बस इसलिए कहती हूँ. अच्छा ना अपना गुस्सा थूको. तुमने बिट्टू आपा के साथ भी तो जाना है और मेरे और अपने भाई की शॉपिंग नहीं करनी. ऐसी बात है तो ला के देना भाई का ATM कार्ड. अब भी लेके आती हूँ. कुकू मामू यहाँ वो चीजें नहीं है जो हमें चाहिए. कुकू इधर आ मानो. चलो चले हैं किसी और शॉपिंग मॉल में चलते. ओहो आप ही यहाँ क्या है? वो आ गई सनिका अपना पूरा खलारा लेके. हैं कहाँ? अरे अरे छोड़े उनको. आप अपनी शॉपिंग फोकस करें. तेरा फोकस जहाँ पे है ना मुझे चंगी तरह पता चल रहा है. जो तेरी शक्ल के ऊपर निम्मे निम्मे हासे चाड़ रहे हैं ना. चल अपनी पैड़ी पुथी लेके. अम्मी एक तो वैसे ही टाइम कम है ऊपर से आपकी गैर जरूरी गुफ्तगु. चले ना. तूने यहाँ बैठ के कौन सा है कॉन्फ्रेंस करनी है वड्डी UN की. चल आगे चल. आ जा कुकु मामू यहाँ पे चल. नहीं उस वाले पे चल. ये वाले जोड़े अच्छे. चला तन्नो मानो कुकु जल्दी आओ. है वो लिफ्ट पे चढ़ जाएंगे. पहले जल्दी करो लिफ्ट. लिफ्ट मानो कुकु जल्दी आओ. वो आ रही है सनिका पीछे. सारी लाइफ दूसरों का हक खाया. छोड़ दें दो मिनट से कुछ नहीं होता. प्रेस करना फिर. कर रहा हूँ ना. आ रही है फिर से प्रेस कर. आ जाती है अभी दोबारा लिफ्ट मिल जाएगी. अल्लाह के वास्ते तू कुकू को लिफ्ट कराना छोड़ दे. तेरे सारे जिन निकाल देगी तन्नो भाभी इस शॉपिंग सेंटर में. अरे हेलो आपा से वॉशरूम का कहकर आ रहा हूँ. अब तो ब्राइडल ड्रेस पसंद करने दे. कुकू तेरे नसीब लित्तर ही लिखी ने. ले जा बिट्टू लेकिन तू अपनी बहन को खुद हैंडल करेगा. हाँ आई लव यू. चल जल्दी जा बेस्ट ऑफ लक. और मेरी किस्मत में आप ही हैं. कौन आता है अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल? मुझे कौन खिला दे. चल सलाम करिए. वालेकुम. मानो ये कुकू किधर रह गया? अरे छोड़े ना अम्मी बता ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है? वधिया है फौरन पैक करा ले. यहाँ पे भी है यही देख रही थी मैं. चांद का टोटा लगेगी इसमें. तू इतना भी अच्छा नहीं है अम्मी. दूसरा देखती हूँ कोई. जिधर आते हैं वहीं पे पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं नकलखोर.
कोई ढंग का ड्रेस खरीदो वरना जंगली बिल्ली लगोगी। फजूल बातें करने से बेहतर है कि मेरी हेल्प ही कर दो।